हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर। ऐसी हालत है सुबह से यार, सुबह सुबह मेरी यूट्यूब क्या, सुबह सुबह ईमेल देखा, यूट्यूब का ईमेल आया है, शायद कोई अच्छी बात होगी। न्यू ईयर में है हम 2018, वाह क्या बात है। 2018 में तो हवा खराब कर दी उन्होंने हमारी, पता होगा वैसे तो। अगर नहीं पता देखो यार तुम्हें, अगर स्पेशली यार सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए ये वीडियो, तो यार देखो बात कुछ ऐसी है कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज बदल दी है। पहले पिछले साल उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आपके चैनल पे 10,000 व्यूज होने के बाद आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन हुई, यानी आप अपनी वीडियो से पैसे तब कमा पाएंगे जब आपके चैनल पर ओवरऑल 10,000 व्यूज हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं हुआ इनका यूट्यूब को ला के, इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा उनका, क्योंकि उनके जो एडवर्टाइजर से जो बायकॉट कर रहे थे वो इस वजह से क्योंकि अजीब अजीब सी वीडियोज यूट्यूब पर है, ऐसे में ट्रेंडिंग्स में अजीब अजीब सी वीडियोज चली जाती है। मैं समझ रहे होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि कितनी बुरी हालत है यूट्यूब इंडियंस के चलते, एक नई पॉलिसी को इन्होंने लॉन्च किया जिसके तहत आपके पास 4,000 आवर्स यानी करीब करीब 167 या 166 डेज का वॉच टाइम होना चाहिए, यानी और ये जो वॉच टाइम आपको 12 महीने के अंदर यानी 365 डेज में से 167 डेज का आपके पास वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स होना मैंडेटरी है, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स आपके जब तक नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद ही आपकी मोनेटाइजेशन ऑन की जाएगी और बस 1000 के बाद ही आपका चैनल जो है वो रिव्यू होगा और ये देखा जाएगा कि आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हुआ आपके चैनल पर या नहीं हुआ, और उसके बाद आपके चैनल को रिव्यू किया जाएगा, आपके चैनल को देखा जाएगा कि आपके जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लायक है या नहीं है, और उसके बाद एड्स आना शुरू होंगे। तो भाई लोग 25 मार्च 2017 इस दिन चैनल स्टार्ट हुआ था ये, और वो डेट अब दोबारा 2018 में भी दूर नहीं है और लग भी नहीं रहा है, क्योंकि फिलहाल मैं 340 सब्सक्राइबर्स पे 350 भी नहीं पहुंचे हैं यार, इन सब्सक्राइबर्स पे घूम रहा हूँ और वॉच टाइम ध्यान ही नहीं देता यार मैं, क्या कौन देखता है वीडियोस मेरी, वॉच टाइम में बहुत बकवास है मेरा। ये कहानी यार देखो ठीक से समझाते हैं क्या लफड़ा है। तो देखो ये बात कुछ ऐसी है कि जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जिन्हें कि फिलहाल एक साल हो चुका है, तो उन्हें अगर एक साल के अंदर अंदर उन्हें जो है अभी तक नहीं मिले हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का व्यू टाइम वॉच टाइम नहीं मिला ना, तो उन्हें 30 दिन की मोहलत दी गई कि अगले 30 दिन यानी कि आज 17th ऑफ जनवरी 2018 है, तो 17th ऑफ फरवरी 2018 को आपको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा आपके चैनल को, अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो जाना चाहिए, 4000 घंटों का हो जाता है तो ठीक है, वरना आपसे मोनेटाइजेशन छीन ली जाएगी। जैसे कि मैं फिलहाल मोनेटाइज चैनल लेके घूम रहा था लेकिन अब मेरी मोनेटाइजेशन छीन जाएगी, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। खैर कंटिन्यू तो हम यूट्यूब को फिर भी करेंगे, भीट हैं फिर भी करते ही रहेंगे, क्योंकि पैसा तो यार देखो कुछ नहीं, मनी तो अभी खैर मेरी उम्र भी नहीं है मनी कमाने की, पैसे कमाने की, लेकिन देखो अच्छा लगता है जो चीज करना उसे करना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। खैर ठीक है, फिर भी यार इस न्यूज से थोड़ी बहुत डीमोटिवेशन तो हो रही है, क्या कर सकते हैं। और जो आने वाले यूट्यूबर हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा, उन्हें भी देखा जाएगा, अब तक आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम नहीं हो जाएगा तब तक आपके चैनल को रिव्यू नहीं दिया जाएगा। एक साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर अंदर आपके चैनल पे ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसा हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि एक साल के बाद ही आपको रिव्यू मिलेगा, अगर एक साल के अंदर मान लीजिए 2 महीने में ही आपके जो है 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 4000 घंटों का वॉच टाइम हो जाता है, तो आपके चैनल को 2 महीने के अंदर ही मोनेटाइजेशन मिल जाएगी। और बस इस वीडियो में बस इतना ही, क्या कुछ खास अच्छा लगा हो तो मैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कहीं से भी अगर अच्छी लग गई हो जरा सी भी, क्योंकि यार मूड खराब है मेरा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बाकी यूट्यूबर्स को भी पास ऑन कर देना। पास ऑन करने की बात की तो बात तो ऐसी है फैलेगी, बहुत बुरी तरीके से पास करने की जरूरत ही नहीं, शेयर करने की जरूरत तो है नहीं वैसे यार,
कहता नहीं हूँ वीडियो में शेयर मत करना वीडियोस को, कर देना शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को यार, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है 17 जनवरी 2018 तक। देखते हैं क्या होता है, अगर मोनेटाइजेशन छिन जाएगी तब भी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू तो करेंगे यूट्यूब को। और बस मैं बोलता हूँ आपसे वीडियो में गुड बाय, ख्याल रखिए अपना।